हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लेटेंट हीट। इन प्रीवियस वीडियो वी डन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। तो जिस तरह से आपका हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस था, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ दो तरह की लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है जिसके टेम्परेचर में हमें इंक्रीज करना होता है, तो क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्स्ट्रा हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, और अगर किसी भी सब्सटेंस से या ऑब्जेक्ट से या फिर कोई भी मटेरियल जो है उसके टेम्परेचर, अगर उससे हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उससे हीट का एमिशन होता है, तो उससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर में उसका डिक्रीज होता है। तो इसी तरीके से एक ऐसा फेज होता है जब आपका कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल्स होते हैं, उनके तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो या फिर लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज हो, इसी तरीके से अगर आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो या फिर वेपर आपका सॉलिड में चेंज हो, तो ये जब आपका फेज चेंज होता है तो उस वक्त भी फेज चेंज के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है। आइस अगर मेल्ट होके लिक्विड बनती है, वाटर बनती है, तो उसके लिए उसको हीट का रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए उसको हीट की ज़रूरत होती है। अगर हीट नहीं होगा तो आपका आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, और अगर हीट नहीं होगा तो फिर जैसे आपका लिक्विड है, वाटर है, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो जब वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए या फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है। तो फेज चेंज के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट हीट नोन एज लेटेंट हीट। सो व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जब स्टेट में चेंज होता है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, एक समय के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है उसके लिए सेम टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेज का चेंज होता है। और फेज चेंज के लिए विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड नोन एज लेटेंट हीट। कोई भी मटीरियल हमारे पास, मान लीजिए उसका मास है एम, ठीक है, और m मास का फेज चेंज करने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट q है, q को हम q हमारा हीट को इंडिकेट करता है, ठीक है। m मास का फेज चेंज करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज किए बिना मटेरियल के स्टेट में चेंज करने के लिए अगर हीट का जो अमाउंट ऑफ हीट जो उसमें यूज हुआ है, इफ दैट इज q, देन अमाउंट ऑफ हीट फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ और फॉर चेंजिंग फेज ऑफ यूनिट मास नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। किसी भी यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कि वो हीट फेज, वो यूनिट मास का फेज चेंज हो, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए या फिर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन टेम्परेचर में चेंज ना हो, दैट अमाउंट ऑफ हीट नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट में डिफरेंस क्या है? जैसे कि जो आपका स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी में जो डिफरेंस था, जैसे कि हीट कैपेसिटी आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट था, दैट वाज हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। और यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट था, दैट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ एनी मटीरियल। कोई भी सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। बट इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। एंड सेम लेटेंट हीट फॉर यूनिट मास, अगर यही प्रोसेस हमारा एक यूनिट मास के लिए जितना लेटेंट हीट होता है, सो लेटेंट हीट फॉर यूनिट मास नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इज इट क्लियर? स्पेसिफिक लेटेंट हीट या लेटेंट हीट क्या है? अब देखिए, m मास के लिए हीट का रिक्वायरमेंट q है, देन फॉर 1 kg मास, यूनिट मास के लिए क्या हो जाएगा, हीट आपका q by m हो जाएगा, एंड दिस अमाउंट ऑफ
क्यू दिस अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट फॉर यूनिट मास नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसको एल से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस लेटेंट हीट एल विल बी इक्वल टू क्यू बाई एम. क्यू बाई एम मीन्स लेटेंट हीट या फिर जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा, एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस. एम से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि हमने ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट हमारा वन यूनिट मास के लिए होता है. अब यहाँ से आपका एल के लिए यूनिट क्या आ जाएगा, देखिए हीट का यूनिट क्या होगा जूल, मास के लिए केजी, सो यूनिट ऑफ एल स्पेसिफिक लेटेंट हीट विल बी जूल पर केजी. देखिए अब लेटेंट हीट स्पेसिफिक किसके लिए होता है, या लेटेंट हीट आपका होता है जब आपका फेज में चेंज हो. तो अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वहां पर जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है उसे हम कहते हैं कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है, जब आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो, ठीक है. एंड सेकेंड है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर आपका लिक्विड किस में चेंज हो, वेपर में चेंज हो, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसको हम एग्जांपल लेके चलेंगे वाटर का केस. वाटर में हम फेज चेंज देखेंगे, फिर आपको बताएंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है. तो देखिए हमने यहाँ पे एक ये डायग्राम, इसमें ग्राफ शो कर रहे हैं. इस ग्राफ में ये आपका दिखाएगा कि किस तरीके से आपका हीट में चेंज होगा. ये हमारा टेम्परेचर टाइम ग्राफ है, ठीक है, जो आपका शो, इसमें आपको ये पता चल रहा है कि चेंज इन फेज ऑफ वाटर, ये वाटर में किस तरह का इसका फेज चेंज होगा, ठीक है. तो देखिए पहले क्या है, पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज हैं, टेम्परेचर है. तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका आइस का कंडीशन होता है ना. 0 डिग्री सेल्सियस नीचे क्या होता है, आपका आइस होता है. अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अब यहाँ पर इसके बाद मेल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. अब मेल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए क्या है चाहिए, इसको हीट चाहिए होगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, और यहाँ पर जो हीट जितनी चाहिए होता है आइस को लिक्विड में मेल्ट होने के लिए, जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट चाहिए होता है वो आपका जितने अमाउंट ऑफ इसके लिए हीट चाहिए होता है इसको, दिस इज इक्वल टू 33600 जूल, इतना अमाउंट ऑफ हीट इसको चाहिए होता है आइस को मेल्ट होने के लिए, एंड दिस इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, आपका आइस मेल्ट होके लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पे इतने हीट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, इतना हीट मिलेगा तो उसके बाद आइस आपका मेल्ट होके कन्वर्ट होता है लिक्विड में. एंड ये जो आपका यहाँ पे जो आपका यूनिट मास के लिए जितना हीट का जरूरत होता है, यूनिट मास का यूनिट आइस को मेल्ट होके आपका वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जितना लेटेंट हीट का जरूरत होता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पे हो गया उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है. देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट में क्या होगा, फेज चेंज होगा, बट फॉर दैट टाइम टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट. उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर आपने टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो देखिए इस तरीके से आपका क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, ये वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, ठीक है. उसके बाद फिर जब आप ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है, वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट गर्म करते हैं, तो अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से वाटर का वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा. और जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे भी इसको लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ए उस टाइम के लिए जब फेज में चेंज होता है तो उस टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद आपका वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ हीट फॉर यूनिट मास, अगर आप यूनिट मास लेते हैं, दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो नाउ वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है, सो द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. देखिए फॉर कन्वर्टिंग यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, एंड दिस अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट नोन एज
स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपका इस तरह से लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट का टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपका जो फॉर्मूला है L इक्वल टू क्यू बाई एम, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है इसमें आपको ध्यान रखना है, लेटेंट हीट क्या होता है, ये आपका जब फेज चेंज होता है तब आपका लेटेंट हीट होता है। एंड लेटेंट हीट L इक्वल टू होता है Q बाई M। एंड इसी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। जब दो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर अलग अलग हो जब उनको मिक्स किया जाता है तो जो हॉट बॉडी होता है उसे टेम्परेचर का डिक्रीज होता है, वो उससे हीट का लॉस होता है। एंड जो आपकी कोल्ड बॉडी होती है उससे वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, वहाँ पे हीट का गेन होता है। तो जो हॉट बॉडी से जितना हीट का लॉस होता है उतना ही जो कोल्ड बॉडी है वो उतने ही हीट को एब्जॉर्ब करती है। और ये पूरा हम जो कंसीडर करते हैं, हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वर्क करता है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर है, हम जो ये दो सब्सटेंस T1 और T2 टेम्परेचर के आपस में मिक्स हो रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस एक आइसोलेटेड मीडियम में हो रहा है। मीन्स आपका एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है या फिर उसके टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उन दोनों बॉडीज़ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के हमने डिस्कस कर दिया है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 10 रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू।